हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? हम आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी अक्सर जरूरत पड़ती है और उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनके मकान बहुत पुराने हैं या उनको दादलाई संपत्ति में मिले हैं, 50-60 साल पुराने हैं या 25-30 साल पुराने हैं। कुछ ऐसे मकान जो जीर्ण छीर्ण होने लगे हैं, जिनकी रिपेयर की आवश्यकता है। सब लोग पूछते हैं कि हमारी छत मकान की खराब हो गई है, उसको हम कैसे रिपेयर करें, क्या उसके लिए हमको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या उसका नक्शा पास कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या विकास प्राधिकरण में हमको इसके बारे में अनुमति लिखित में मिलेगी, वगैरह वगैरह। कई सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका हमें जवाब देना होता है। दोस्तों, यदि आप रिपेयर करने की सोच रहे हैं मकान की, तो पहले सुनिश्चित कीजिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ विकास प्राधिकरण कब से है, कितने साल से है। सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे हरिद्वार है उत्तराखंड में, यहाँ पर हरिद्वार रूड की डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हरिद्वार रूड की विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1986 में हुआ था। तो वर्ष 1986 से पूर्व जितने भी मकान होंगे, पुराने मकान होंगे और उनको रिपेयर करने की आवश्यकता होगी, तो उसका नियम अलग होगा। जैसे बनारस में है, बनारस में डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब भी जिस सन में आया है, गठन हुआ है, उससे पहले कि जो मकान बने होंगे उनके रिपेयर की मैं बात करूंगा। ऐसी लखनऊ, ऐसी बरेली, ऐसे ही उत्तराखंड में जहाँ जहाँ प्राधिकरण बने हैं, या यूपी में जहाँ जहाँ प्राधिकरण है, झांसी है, वृंदावन है, मथुरा है, जहाँ भी हैं, जब गठन वर्ष होगा जिस विकास प्राधिकरण का जिस शहर में, उससे पहले जो निर्माण होंगे उनकी मरम्मत हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात आपसे करेंगे कि इसके लिए हमें नक्शा पास कराना जरूरी है या नहीं है और उसके क्या नियम है। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा मोटिवेशनल चैनल से, गोपाल शर्मा मोटिवेशनल चैनल से बोल रहा हूँ, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये जो वीडियो है पूरा देखिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है और आपकी नॉलेज गेन होगी इससे। अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकेंगे संबंधित विकास प्राधिकरण में जाकर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने पुराने मकान की मरम्मत कैसे करें, कैसे अनुमति प्राप्त करें और पुराने मकान की मरम्मत करने के लिए छूट का क्या प्राविधान है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत साधारण भाषा में आपको बताऊंगा, तो चलिए सुनिए। दोस्तों, किसी का मकान, मान लीजिए बहुत प्राधिकरण गठन से 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, यानी कि किसी विकास प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ है, उससे 5 साल पुराना भी है, 10 साल पुराना भी है, अब तो 86 के बाद तो काफ़ी साल हो चुके हैं और आपके मकान की अवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जीर्ण छीण हो गया है, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे उसको परिवर्तित करेंगे और कहां पर छूट का प्राविधान दिया है। यदि विकास प्राधिकरण का गठन के बाद भी मकान की हालत खराब हो जाती है आपकी, यानी कि आपका विकास प्राधिकरण का गठन किसी का 1990 में हुआ है या 1997 में हुआ है या 2000 में हुआ है, उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद मकान की हालत खराब हो जाती है, जीर्ण छीण हो जाते हैं, छतें बेकार हो जाती हैं, तब भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि जब प्राधिकरण का गठन हुआ है तो उससे पहले का है, लेकिन काफी जगह पुरानी जो बस्ती हैं वहां पर मकान बहुत पुराने दादलाई संपत्ति है जिनको अपने फोर फादर की प्रॉपर्टी है जो मिली है और बहुत लोग रह रहे हैं उसके अंदर। बहुत पुरानी पुरानी ईंटें होती थी, बहुत उस समय चूने सुर्खियों की वो दीवारें होती थी, उनमें अब रिपेयर करने की जरूरत पड़ गई है। कड़ियों की छत होती थी, कड़ियाँ गिरने लगी हैं तो उनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों एक यूपी के अंदर भी एक्ट है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, इसको एडॉप्ट कर लिया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में भी यही एक्ट लागू है और इसी तर्ज पे दिल्ली में भी लागू है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो लागू है इसी तर्ज पे लागू है और दिल्ली में कहीं कहीं एमसीडी भी है तो वहाँ पर दूसरे एक्ट हैं, लेकिन व्यवस्था सबकी एक तरीके की है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973 की धारा 52 के अंतर्गत छूट के अंतर्गत आता है। यही धारा 52 उत्तराखंड में भी लागू होगी और यूपी में भी लागू होगी। तो धारा 52 के अंदर व्यवस्था दी गई है, यदि आपकी छत जीर्ण छीण हो गई तो आप क्या करेंगे, छत की मरम्मत कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं छत को, रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए रेट्रोफिटिंग नहीं करेंगे आप, आरसीसी कॉलम खड़ा नहीं करेंगे। आरसीसी कॉलम खड़ा करेंगे तो वो नया निर्माण हो जाएगा, लेकिन आपको मरम्मत करने से पहले अपने पुराने मकान की फोटोग्राफ लेनी होगी और उस समय क्या स्थिति है उसकी, और इसकी एक सूचना संबंधित विकास प्राधिकरण जिस क्षेत्र में भी आप रह रहे हैं उसको देनी होगी कि ऐसे ऐसे हमारा मकान जो है 20 साल या 25 साल 30 साल पुराना है और जिसकी छतें बेकार हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, दीवारें खराब हो चुकी हैं, दरवाजे गल चुके हैं, खिड़की खराब हो चुकी हैं, फर्श खराब हो चुके हैं, उसकी जो भी आपको जरूरत है उसकी सूचना आप संबंधित विकास प्राधिकरण को देंगे, अपने विकास प्राधिकरण को देंगे जिस शहर में भी आप रह रहे हैं या पूरे इंडिया के अंदर जो भी अथॉरिटी लागू होती है वहाँ पर आप देंगे। यहाँ तो मैंने ये बता दिया है धारा 52 यूपी और उत्तराखंड का बताया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी यही इसके आसपास की कोई सेक्शन होगी, 50 हो सकती है, 52 हो सकती है, कोई अलग सेक्शन होगी, और म्यूनिसिपलिटी एक्ट में भी ऐसे ही प्रोविजंस हैं। तो आप दोस्तों वहाँ पर एक एप्लीकेशन राइटिंग में देंगे और ले कि ऐसे से हमारा मकान जीर्ण छीण अवस्था में हो गया और इसको हम रिपेयर करना चाहते हैं तो अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, लेकिन वो अनुमति नहीं देंगे आपको और वहाँ आपको बोल सकते हैं कि आप अपना मरम्मत कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ पहले के स्थिति के जब होंगे आपके तो आप दिखा सकते हैं कि हमने कोई नया निर्माण नहीं किया है, केवल हमने इसका कोई बाह्य स्वरूप को मतलब चेंज नहीं किया है, परिवर्तित नहीं किया है, केवल अंदर का जो हमने परिवर्तन किया अंदर के मकान का, जैसे आप छत बदल लीजिएगा, दीवारों में प्लास्टर कर लीजिएगा, फर्श बदल लीजिएगा, खिड़कियां बदल सकते हैं, दरवाजे बदल सकते हैं, तो ये सब रोशनदान है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आपका नोटिस नहीं आना चाहिए। तो एक मेरे पास बायलॉज है, ये वाला मैं बायलॉज दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे पास बायलॉज है, ये उत्तराखंड में भी है और यूपी में भी लगभग लागू होता है। इसके अंदर मैं पढ़ के भी बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ बायलॉज जो है उत्तराखंड का चैप्टर 3 है और चैप्टर 3.1 ये यूपी में भी लागू होता है, लेकिन यूपी की सेक्शन अलग लागू हो सकती है और सब जगह एक ही तरह के बायलॉज लागू होते हैं, यानी भवन उपविधियाँ। इसमें अनुज्ञा छूट का दिया हुआ है, इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा। सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के भाग 4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधि ऑब्लिक विनियम का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, परंतु विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण, आप समझ गए पुनर्निर्माण, अगर विद्वान अगर आपका पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण नहीं करेंगे आप, परिवर्तन यदि बहुत बड़ा परिवर्तन आप करने जा रहे हैं, आरसीसी कॉलम डालने जा रहे हैं एवं परिवर्धन जिसमें संरचनात्मक स्ट्रक्चर बोलूंगा मैं इनको, परिवर्तन यथा कॉलम
जैसे कॉलम हो गया, बीम का निर्माण हो गया, और नई लोड बियरिंग दीवार का निर्माण हो गया, नई स्लैब डालना हो गया, और पुरानी लोड बियरिंग दीवार को हटाना, जो पुरानी जिस पे लोड टिका हुआ पुरानी बियरिंग लोड को हटाना, यदि नहीं तो मैं नियमानुसार स्वीकृति ले जानी आवश्यक होगी। इसमें तो आपको स्वीकृति लेनी होगी। मैंने बोला था संरचनात्मक परिवर्तन, ये भी शामिल है इसके अंदर। इस हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 की भाग चार, नोट कर लीजिए आप, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 की भाग चार के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि फायर सेफ्टी का भी पालन करना होगा, कंप्लेंस करनी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बायोलॉज के पॉइंट्स। ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान खोलना अथवा बंद करना जो किसी दूसरे की संपत्ति की ओर न खुलते हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, द्वारा अपने बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। आंतरिक संचालन हेतु दरवाजों का प्राविधान, न्यूनतम मापदंडों का उल्लंघन न होने पर आंतरिक विभाजन और गार्डनिंग की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, बागवानी जिसको बोलते हैं, आप रंगाई पुताई कर सकते हैं, सफेदी व्हाइट वॉश कर सकते हैं, रंगाई करना, पेंटिंग कर सकते हैं। पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर पुनः टाइल्स लगाना, टाइल्स लगाना कभी मना नहीं होता, आप टाइल्स लगा सकते हैं, या छत की मरम्मत करना, परंतु मेज नाइन तल की छत का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। पुनः फर्श निर्माण कर सकते हैं, फर्श टूट फूट गया तो फर्श डाल सकते हैं। प्लास्टर करना, प्लास्टर की आंशिक मरम्मत करना, या तो आप प्लास्टर पूरा बदल दें, आप प्लास्टर नव निर्माण के अंदर नहीं आता है, या कहीं कहीं टूट फूट हो चुकी है तो उसकी प्लास्टर की रिपेयर भी कर सकते हैं। अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनसेट का भी निर्माण आप कर सकते हैं। अपनी भूखंड के सीमांकन हेतु सड़क के मध्य रेखा से अधिकतम 1.65 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सकते हैं, परंतु महायोजना जो आपके लागू है या जोनल प्लान या लेआउट में निहित सड़क की जो चौड़ाई के अंतर्गत आने वाली भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। आपको मल नालियों, मुख्य गलियां पर पाइप पर पाइपों, केबलों व अन्य संयंत्र का निरीक्षण या उसके नवीनीकरण तथा मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी केंद्र, राज्य के सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा किन्हीं सेवाओं के क्रियान्वयन किए जाने के लिए निर्माण कार्य कर सकते हैं। छत, टेरेस, बालकोनी, बरामदे में पैरापेट का निर्माण, ये सब आ गया, और पोर्च आदि भी आप बना सकते हैं। सेफ्टी टैंक है, सॉकपिट है, टैंक का निर्माण है, हैंडपंप लगाना, निर्माण कार्य हेतु अस्थायी वाटर टैंक का निर्माण भी आप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको अनुज्ञा लेने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग परेशान होते हैं और मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मिलते भी हैं, और मैं विकास प्राधिकरण में एज ए एडवोकेट, एज ए एडवाइज़र मैं देखता हूँ, तो लोग लिख के भेजते हैं कि तब हमारा तो बहुत 40 वर्ष पुराना मकान है, बहुत ख़राब हालत में है, टूट के गिर सकता है कभी भी, उसकी छत बदल सकते हैं हम। तो हम उनको गाइड करते हैं कि एक एप्लीकेशन दें आप, और उसमें हम लोग आपको सीन करके रख लेंगे, और आप अपना केवल उतना काम करेंगे जितना आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप खोद के बिल्डिंग धीरे धीरे पर्दा डालकर अगर आप अनऑथराइज बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, पहले कॉलम बनाएंगे, फिर पुराना निर्माण कराएंगे, फिर पार्टीशन करेंगे, वो निर्माण किसी प्रकार अनुमन्य नहीं होगा। तो अगर आपका पुराना निर्माण है, चाहे वो 50 साल पुराना है या विकास प्राधिकरण गठन के बाद का है, जब भी आपका गठन वर्ष है, जो शहर में भी आप रहते हैं विकास प्राधिकरण का, उसके 20 साल बाद है, 25 साल के बाद का, अगर टूट फूट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप उसका कर सकते हैं, उसमें मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन ये भूलिएगा नहीं, और याद रखने वाली बात है, राइटिंग में ज़रूर लिख के देंगे, फोटो के साथ देंगे, फोटोग्राफ के साथ, तो ये होगा कि आपका जेन्युइन वर्क है, आपका जेन्युइन काम है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद आप जेई को निरीक्षण भी करा सकते हैं, जूनियर इंजीनियर को, प्राधिकरण को लिख के कि हमने ये कर लिया रिपेयर वर्क, आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो इससे संभावना ये रहेगी कि आपको धारा 27-28 के नोटिस नहीं मिलेंगे,
कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, कोई आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो उसके लिए जो आपके पास एविडेंस है उस एविडेंस को लेकर आप लड़ने के लिए कहीं किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। जैसे आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं आप, और तब आपको वहाँ रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आप दिमाग से काम लेंगे तो सारे काम आपके हल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बस मुझे इतना ही बताना था आपको, कैसा वीडियो लगा मेरा ये, और मैंने आपको कैसे बताया, बहुत आपकी समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं इसको दोबारा फिर और छोटे रूप में दो चार पॉइंट में ही आपको बताऊंगा। और आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि अभी मुझे नियमित वीडियो बनाना है आपके लिए, मैं फिर दोबारा से मैंने काम शुरू कर दिया है, बीच में नहीं कर पाया था। पिछली वीडियो में मैंने बोला कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, और मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इतना सहयोग किया है, जो मेरे इतने फॉलोवर्स बन गए हैं और मेरे को चाहते हैं, मेरी बात को समझते हैं, मैं उनको बहुत ही लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, और आगे भी मेरे नए नए दोस्त बनेंगे और मुझसे सलाह लेते रहेंगे। फ़ोन पे भी मेरे से एडवाइस लेते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा एक दिन में 5 फ़ोन से ज़्यादा मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। और सुबह को बहुत लोग फ़ोन करते हैं, प्लीज़ मॉर्निंग में फ़ोन ना करें और 8 बजे रात को फ़ोन करें। 1 घंटे में जितनी भी कॉल हो सकती है, 1-2 घंटे के अंदर मैं कॉल उनका रिप्लाई दूंगा। बुरा मत मानिएगा किसी के फ़ोन अगर मैं दिन में नहीं उठाता हूँ, तो मेरी कोर्ट भी रहती है, ऑफिस भी रहता है, बहुत काम होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मैं आगामी कोई वीडियो लेकर आऊँगा, किसी सेटबैक पर लेकर आऊँगा और या कोई और चीज़ लेकर आऊँगा, नई चीज़ ताकि आपके काम आ सके और आप उस पर अमल कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, इजाज़त दीजिए।